आज दुनिया भर में कोरोना नामी बीमारी के बावजूद मालेगांव शहर में आज़ादारिये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कोई कमी नहीं पाई गई, बल्कि हर साल की तरह इस साल भी ताजिया बनाने का काम पूरे जोश और खरोश के साथ जारी और सारी है। इस वक्त जो है हम लोग अनवर साहबान नगर की पहली गली में एक मकान पर आए हुए हैं और आप लोगों से चंद सवाल। ताजिया आपके यहाँ कब से बनाई जाती है और कब से आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाते हैं और मुकम्मल होने के बाद कहाँ पर रखी जाती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने ये जो चैनल है जो ताजिया दारों की मालूमात ले रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपने जैसा कि पूछा आपके यहाँ ताजिया दारी कब से बन रही है, तो मेरी उम्र 21-40 साल की है, 41 साल का मैं हूँ। मेरा नाम कलीम अहमद अजमेरी है। तो मेरे नाना के घर पे यह ताजिया बनती थी यूपी में। आज मेरी वालदा माजदा हयात है, उनकी उम्र तकरीबन 80 साल की है। तो मेरे नाना के यहाँ नूर मोहम्मद चौधरी ताजिया वाले आज भी मशहूर है। मेरी अम्मी की जो उम्र 80 साल है, तो उनके बचपन से बन रही है और मैं खुद इन्हें 41 साल का हूँ और जब मैं 15 साल का हुआ था जब से मैं मेरे हाथ से बना रहा हूँ। उससे पहले घर में बनती थी, जो भी मेरे नाना लोग हैं मामा लोग हैं वो बनाते थे और मैं खुद 15 साल के बाद से बना रहा हूँ और आज मैं 41 साल का हूँ। और ताजिया दारी जो है तो ये अहले बैत से मोहब्बत, ये हम लोग को इससे अकीदत है और अल्लाह से हम लोग को ये उम्मीद रहती है कि अल्लाह पाक उसके महबूब के हाल के सदके में हमें इसकी बरकतें देता है और देता ही है। ये उलमा लोग भी कहते हैं और हम तो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना हमको अल्लाह से उम्मीद है कि उसकी आल की मोहब्बत की वजह से हमको बरकत मिलती है, इसलिए हम लोग ये ताजियादारी करते हैं। अनवर साहबान नगर की चौड़ी गली, यहाँ पर हम लोग दरवाजे के आंगन में मंडप लगाते हैं और उसमें ताजियादारी। चांद दिखने के बाद आप कब से शुरू कर देते हैं तैयारी ताजिए की? ताजिए की तैयारी तो ऐसा है कि हम लोग बकरीद की छुट्टी से हमारे जहन में ये बात मंडलाते रहती है कि अब हमें ताजिया दारी करना है, उसके इंतजाम में लग जाते हैं। लेकिन जो खसूसी काम होता है, जो कि कटिंग वगैरह का काम होता है, बैठने बनाने, वो 1 या 2 तारीख को हम लोग काम शुरू कर देते हैं। लेकिन बकरीद की छुट्टी से हम लोग उसके इंतजाम में लग जाते हैं, क्या क्या साजो सामान लगने वाले। 25-26 साल हो गए ताजिया बना रहे हैं। तो समझ लो मुहर्रम का चांद दिखने के 8-15 दिन पहले से करते हैं तैयारी, बनाते हैं। जब तक 9 तारीख तक धीरे धीरे काम पूरा मुकम्मल होता है, फिर 9 तारीख के दिन ताजिया भाई नहीं, ताजिया हर साल हमारी चौखट पर रखी जाती है। हमारा जो द्वारा होता है, आंगन होता है, वहाँ पर अच्छी साफ सफाई करके हमारी ताजिया वहाँ रखी जाती है। हमारे दादा अब्बा बताया करते थे कि 200 साल पहले हमारे परदादा बनाया करते थे, फिर हमारे दादा बनाए, फिर हमारे दादा के बाद हमारे बड़े अब्बा बनाए, बड़े अब्बा के बाद में हमारे अब्बा बनाए, उसके बाद में मैं संभाल रहा हूँ 37 बरस से। समझ लो चांद दिखता है, उससे पहले भी लेके आते हैं, जैसे काम काज में लगे रहते हैं तो घर में ला के रख लेते हैं, उसके बाद काम काज से छुट्टी मिलती है, थोड़ा थोड़ा रोज धीरे धीरे रिपेयर करते हैं 12-1 बजे 2 बजे रात तक के, ऐसे धीरे धीरे 9 तारीख तक पूरे तैयार करते हैं। उसके बाद फिर ताजिया बाहर ले जाते हैं, फिर 2 दिन रखते हैं, 2 दिन के बाद में फिर करबला जो बोला जाता है अपना मौसम नदी बीकन साहब बाबा की दरगाह के पास, वहाँ ले जाया जाता है। तो अब की जो है ना हम लोग को मनाही हो रही है थोड़ी थोड़ी। सलाम चाचा रोड पे अनवर साहबान नगर। अच्छा। हाँ 9 तारीख को निकालते, 9 तारीख को शाम को निकालते हैं, मगरिब से पहले या मगरिब के बाद में, जैसे भी इन्हें फातिया दरूद हो जाती है, उसके बाद में ले आके चौक पे रख देते हैं। फिर एक दिन फिर एक रात संभालते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह फिर लेके चले जाते हैं।